थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कमेंट्स करने के लिए और इस स्टोरी को पसंद करने के लिए। दिया माफल गुड्डू फुलतुशी जबान, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कोई देवी नागराज पे जादू कर रही है, जिसकी वजह से नागराज उसे कंट्रोल में आके उसे किस करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि नागराज बहुत ताकतवर होते हैं अंदर से, इसीलिए वो जादू तोड़ देते हैं और उसे डांटने लगते हैं। फिर वो उनके पाँव में गिर जाती है, उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप मनी से शादी मत करिए। जिस पे जो नागराज हैं वो चले जाते हैं ये बोल के कि मैं सिर्फ मनी से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। इसके बाद ये जो देवी है ये बोलती है कि फिर मैं मनी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये इस देवी का नाम है नीना और ये भी एक नागिन है, और ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही ख़तरनाक है। मतलब इसकी जो पावर है काफ़ी पावरफुल है ये। फिर हमें चौन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी शराब पी रहा है, उसके हाथ में एक अंगूठी है। अगर आप इसको देखोगे तो इस अंगूठी पे वही साइन बना है जो नागरानी का साइन है, वही साइन बना हुआ है इस पे। ये बंदा जिसके हाथ में अंगूठी थी, ये चौन के अंकल हैं, इन्होंने ही चौन को मरवाने की कोशिश की थी। तभी पीछे से चौन आता है, जिसको देखिए एकदम ये घबरा जाते हैं, क्योंकि इनको तो इनके आदमी ने बताया था कि चौन तो मर चुका है। तो फिर वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम इतनी देर से आए नहीं थे, मुझे चिंता हो रही थी, तुम ठीक तो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो कहते हैं हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कहते ठीक है जाओ सो जाओ। फिर चौन वहाँ से चला जाता है। यहाँ चौन जब अपने बाथरूम में आता है तो शीशे के सामने अपने कपड़े उतार के वो अपनी बॉडी पर चेक कर रहा होता है कि कोई निशान है कि नहीं। फिर उसको अपने दोस्त की बात याद आती है, जिसने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें इतना मारा गया, तुम्हें पानी में फेंक दिया गया, उसके बावजूद तुम्हारे शरीर पर एक निशान नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? तो फिर वो भी सोच रहे पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद एकदम से उसको स्माइल आने लगती है उसके फेस पे, क्योंकि उसको फिर मनी की याद आने लगती है, किस तरह से मनी भाग रही थी, तो फिर कैसे वो उसकी एकदम बाहों में आ जाती है, और मतलब कैसे वो उसको पकड़ी हुई थी तब तक जब तक कि वो बिस्तर पे गई नहीं। तो इसको एकदम उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, फिर एकदम हंसने लगता है ये सोच के। यहाँ देखते हैं कि जो अंकल है वो अपने आदमियों को खूब भड़काता है और उससे बोलता है कि चौन को मार दो वरना तुमको कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमें नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जो नर्स होती है वो मनी की रिपोर्ट लेने के रूम में आती है, लेकिन वो एकदम वहाँ पे एक सांप देख के एकदम डर जाती है और एकदम चिल्ला के वहाँ से भाग जाती है। हुआ क्या रहता है कि जो रात के टाइम मनी जब सो रही होती है तो वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है, यानी कि नागरानी के फॉर्म में। तो अब फिर मनी वापस अपने रियल फॉर्म में आती है। उसके बाद फिर वो देखती है कि सुबह हो गई है, तो सीधे वो बाहर जाने जाती है, और लेकिन वो पहुंच जाती है रोड के बीचे बीच, जहाँ पे जो गाड़ियाँ लाइन से एकदम खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो वहीं पे खड़ी है। तभी वहाँ पे चौन की गाड़ी आती है और चौन देखता है कौन है, तो फिर वो भागते हुए जाता है कि यार ये तो वही लड़की है, और फिर वो उसको पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। उसको देखते ही मनी बहुत खुश हो जाती है, तो फिर वो मनी का हाथ पकड़ के उसको लेकर आता है कार के पास। खैर यहाँ पे जो नर्सेस होती हैं, दूसरी नर्स को लेकर आती है और उसे कहती है यहीं पर साफ था, यहीं पर साफ था, तो वो कहती है तुम पागल हो, तुम्हें दिन में शराब पीती क्या? हाँ। खैर उसके पास तभी फ़ोन आता है, ये फ़ोन उसको चौन ने किया था बताने के लिए जो लड़की एडमिट हुई थी, मैं उसको लेकर उसके घर जा रहा हूँ। इसके बाद वो मनी को एकदम कार में बैठाता है और उसके एकदम उसके क्योंकि सीट बेल्ट तो वो कभी बांधी होती नहीं, तो फिर ये सीट बेल्ट बांधता है, और फिर उसको फिर से उसके पास से खुशबू आने लगती है। तो वो सोचता है कि मतलब ये खुशबू मैंने कहाँ पहले महसूस की है। अच्छा, जैसे ही सीट बेल्ट बांधता है मनी एकदम डर जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये इसे बंदी बना रहा है, तो वो एकदम हिलने लगती है। उसकी वजह से वो एकदम से उसका जो लिप्स होते हैं चौन के, वो एकदम मनी के चेहरे पर एकदम टकरा जाते हैं, फिर वो एकदम दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। फिर वो बहुत प्यार से मनी से कहता है कि मैं आप सिर्फ सीट बेल्ट बांध रहा था कि जब गाड़ी चले तो आपको चोट ना लगे, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप बस आराम से बैठो अब। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो, तो वो कहती है मेरा नाम मनी है और मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ। जिस पे वो कहता है कि ठीक है चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, और ये घर बहुत ही क्यूट एक्ट कर रही होती है गाड़ी में। फिर इसे अपने घर लाता है, जहाँ पे इसके दो ये सर्वेंट्स हैं वी और टी। तो ये घर पे एकदम खूब मस्ती कर रही होती है, क्योंकि उसने पहले से सब देखा नहीं होता, तो खूब एकदम हर सामान छू के देख रही होती है कि सब क्या है, हर चीज़ क्या है। और फिर जो ये वी होती है, सोचती पता नहीं कैसी अजीब औरत है ये। और फिर ये एकदम आराम से बैठ के सारा सामान जो है टी पकड़ी होती है, क्योंकि ये बार बार फेंक रही होती है, और बहुत आराम से मस्ती कर रही होती है। फिर तभी उसको टीवी देखता है, तो एकदम चिल्लाने लगती है कि टीवी में अरे इस आदमी को बाहर निकालो। तो चौन से पूछता है क्या हुआ, तो वो उससे कहती है कि अरे इस आदमी को इस बॉक्स में बंद कर दिया है। तो वो कहता है अरे वो बंद नहीं हुआ है, वो दूसरी जगह पे है, उसको हम टीवी के थ्रू देख सकते हैं। तो फिर एकदम हरकतें देख के एकदम हंसने लगता है चौन।
उसके बाद वो उसे उसका रूम दिखाती है जो वी होती है, और फिर उसको पहनने के लिए कपड़े भी देखती है। फिर जब जो मनी होती है घर घूम रही होती है, तभी उसकी मुलाकात चौन के अंकल से होती है जो उसको बिल्कुल ही नहीं पसंद करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ से निकल जाने के लिए। पर तभी यहाँ पर चौन आ जाता है, उसे कहता है इन्होंने मेरी जान बचाई तो ये अभी कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर गुस्से में अंकल वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे का हमें दिखाया जाता है अगली सुबह का, जब जो टी होती है इसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं, तो फिर वो अंदर जाती है और वो एकदम चौंक जाती है क्योंकि बिस्तर पे एक बहुत बड़ा सा सांप होता है, और ये एकदम बहुत तेज़ चिल्लाने लगती है कि तभी मनी उसके सामने खड़ी हो जाती है, उसके सामने वो उस अपने रूप में आ जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा मेरे नेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैं इसके अपलोड नहीं